बाहर का दृश्य है कि ये पीपल का पेड़ जो है ये वही पेड़ है जब खाटू श्याम ने अपने 3 बाणों से इनके सारे पत्तों को छेद दिया था। दोस्तों स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। मैं हूं भारत, आपका दोस्त। मैं बहुत दिनों के बाद मैं ये व्लॉग बना रहा हूं और आज मैं आपको एक स्पेशल जगह लेने के आया हूं। इस जगह का नाम है चुलकाना धाम, जो कि खाटू श्याम मंदिर है। यहां पर इसको फेमस है, चुलकाना धाम के नाम से फेमस है ये। और ये स्थित है हरियाणा के सोनीपत के पास में। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो चलिए आपको दर्शन कराता हूँ उसके। बने रही मेरे साथ में। कैमरामैन जल्दी जो, देखो कितनी मोटी है। अरे भैया ये आ गया है श्याम बाबा का मंदिर, लेकिन बाबा का धाम।
तो ये बाहर का दृश्य है और कहा जाता है कि ये पीपल का पेड़ जो है ये वही पेड़ है जब खाटू श्याम ने अपने 3 बाणों से इनके सारे पत्तों को छेद दिया था और यही वो पीपल का पेड़ है। भैया उनको क्यों बांध रखा है? दूसरे बंदरों के लिए। अच्छा, दूसरे बंदरों के लिए। इनके डर से वो आते नहीं। तो ये अलग अलग गेट हैं, ये वो कुंड है यहाँ और ये मंदिर है। देखा आपने मंदिर, बड़ा ही शानदार था। सोचा था कि इस व्लॉग में आपसे मैं बहुत सारी बातें करूँगा, पर जैसे ही मंदिर में पहुँचा तो सब कुछ भूल गया। मैं तो खो गया खाटू श्याम के विचार में, इसलिए मैं कम बोला इस व्लॉग में। और अच्छा हुआ कम बोला, आपको देखने का मज़ा आएगा। तो आप भी कभी अगर खाटू श्याम मंदिर खाटू राजस्थान में जाते हो तो एक बार यहाँ ज़रूर पधारना और एक बार ज़रूर आपकी जो प्रेजेंस यहाँ देना। बड़ा ही अच्छा मंदिर है, खूबसूरत मंदिर है, आओ कभी झुलकाना। वहाँ से आ सकते हो डायरेक्ट और ये कुछ बैठने के लिए और वैसे है ही। यहाँ से रेलिंग है जो आप देखते होंगे खाटू श्याम के अंदर, जो रेलिंग बना रखी है आने जाने के लिए, वही रेलिंग है ये, इसी देवहाँ तक जाती है और वहाँ मंदिर है एग्जैक्टली वहाँ।